हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है पार्थ और आज हम बहुत मजे करने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्क्वर्टल, हाउ मेनी अटैक्स कैन स्क्वर्टल, ये देखने वाले क्योंकि स्क्वर्टल कौन से अटैक कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दो। मैं आपके लाइक से बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने वीडियो की तरफ चलते। तो हमारा फ्रेंड्स सबसे पहले जो अटैक आता है वो है टैकल अटैक। तो फ्रेंड्स टैकल अटैक से कोई भी पोकेमोन 4% घायल होता ही है। अगर वो कमज़ोर हो तो वो ज़्यादा परसेंट घायल होता ही है। तो स्क्वर्टल का टैकल अटैक भी बहुत पावरफुल है। तो आपको टैकल अटैक कैसा लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको टैकल अटैक कैसा लगा था। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला अटैक आता है वो है बबल अटैक। तो फ्रेंड्स बबल अटैक स्क्वर्टल का बहुत ही पावरफुल अटैक है। बबल अटैक से कोई बच नहीं सकता। अगर बबल अटैक ही वाटर पोकेमोन के पास ना हो तो वो कहाँ का वाटर पोकेमोन हुआ फ्रेंड्स। इसलिए बबल अटैक नंबर 4-5 पर है। तो अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला अटैक आता है नंबर 4 पर, उसका नाम है स्कूल फ्लैश अटैक। तो फ्रेंड्स स्कूल फ्लैश अटैक एकदम टैकल के जैसा ही है, पर इसमें है ना वो टैकल में स्क्वर्टल शेल के अंदर जाता है और इसमें ना वो बाहर से ऐसे सर से मारता है, तो उसको स्कूल फ्लैश अटैक बोलते हैं। तो चलिए हम अब अपने अगले नंबर की तरह बढ़ते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला अटैक आता है वो है विड्रॉ अटैक। तो फ्रेंड्स विड्रॉ अटैक बहुत ही पावरफुल है। मतलब पावरफुल इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पावरफुल नहीं है, पर वो उसमें ना स्क्वर्टल को अगर कोई मारने आता है ना तो वो उसमें छुप सकता है, फिर वो उस अंदर बच सकता है, उसको चोट नहीं लग सकती और वो हार भी नहीं सकता। इसलिए विड्रॉ अटैक बहुत ही अच्छा है स्क्वर्टल का, उसके अंदर वो जा भी हमारा सकते जो अगला अटैक आता है फ्रेंड्स उसका नाम है हाइड्रो पम्प। तो फ्रेंड्स हाइड्रो पम्प तो बहुत ही पावरफुल है। हाइड्रो पम्प से कोई भी रॉक टाइप पोकेमोन बच नहीं सकता। रॉक टाइप क्या, कोई भी पोकेमोन बच नहीं सकता हाइड्रो पम्प से, क्योंकि इसके अंदर स्क्वर्टल वाटर गन कर देता है ना तो ये सारी जगह फैल जाता है। और हाइड्रो पम्प इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि सारी जगह से इतना फैलता है पानी, इतना फैलता है कि कोई भी पोकेमोन हार भी सकता है उससे। इसलिए इसका नाम, ये बहुत बड़ा पानी हो जाता है ना, इसलिए इसका नाम हाइड्रो पम्प रख दिया है। तो फ्रेंड्स हाइड्रो पम्प तो बहुत ही अच्छा है। अगर हाइड्रो पम्प ही नहीं रहा तो स्क्वर्टल का शेल क्या काम का होगा। तो चलो अब हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 1। फ्रेंड्स जो हमारा अगला अटैक आता है वो है रैपिड स्पिन। तो रैपिड स्पिन बहुत ही अच्छा अटैक है, पर इसमें ज़्यादा कुछ मज़ेदार नहीं है, बस ये किसी को शो कर सकता है। अगर कोई छोटे बच्चों को शो करने के लिए, छोटे बच्चों के लिए हंसाने के लिए, ये सब के लिए वो रैपिड स्पिन अटैक है। और इससे बहुत इमेजिन भी बच्चों को अच्छा लगता है उसका वो अटैक, वो बहुत है, वो शेल के अंदर जाके वो करता है वो अटैक। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और अभी अगर आपने अभी तक मेरे पिछली वीडियो नहीं देखी पिकाचू वाली तो वो देख लीजिए, उसमें भी मैंने पिकाचू के बहुत सारे अटैक्स बताए, देख लेना। बाय।